बॉर्डर पे पहले कांग्रेस के राज में देखते थे बाट, भाई हमको ऑर्डर देगा वो दूसरा मार के चला जाता था। अब इन्होंने छूट दे दी है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई एक गोली चलाए तुम चार चलाओ। जो हमारे समाज के लिए खड़ा है, हमारे काम होने चाहिए कि जनाब, तो भाई हम तो जनाब मोदी पे जाएंगे सीधा। किसान हूँ जिदा किसान 700 किसान अंदोलन शहीद होया है, उन्होंने भी दिक्कत आ, उन्होंने मान लो भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए ही। गर्मी का मौसम है और इस वक्त गांवों में ज़्यादातर जगहों पे ऐसे ही भीड़ मिलेगी, जहाँ पे कुछ लोग ताश के पत्तों के साथ नज़र आएंगे, तो कुछ लोग गांव की चौपाल में बैठे हुए नज़र आएंगे, तो ऐसे ही पेड़ की छांव में ये चीज़ें गांव में होना आम बात है और ये सदियों से होता आ रहा है। हमारे साथ दो वर्ग के लोग हैं, ताऊ हैं जो जिन्होंने उम्र का एक पड़ाव पार किया है और काफ़ी अनुभव भी है, इसके अलावा कुछ यंग लोग भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं। क्या करते हैं आप? बस क्या बताऊँ, जिम्मेदार छोटा सा, छोटा कितना खेत है? बस 6-6 कनाल है, हम 4 भाई हैं। मैं तो इसी और समझ सकते थे, बता ही दिया पहला पैसे आ गए हमारे, एक दो बार आए। किसान सम्मान वाले पैसे की बात कर रहे हैं? हाँ, वो पैसे नहीं आ रहे हमारे। अच्छा, तो फॉर्म वॉर्म दोबारा भरा आपने? भरा, डाकखाने भरवाया इन्होंने, 200 रुपये लेगा। हाँ, और डाकखाने भरवाए थे ना। आप गए नहीं उनसे पूछने के लिए? मतलब अभी भरे ना, पिछले महीने भरे थे, कहने लगे भाई डाकखाने भरवाना पड़ेगा। पहले मतलब मेरे पंजाब ने खाते में आ जा रहे, अब आ नहीं रहे। तो ये योजना ठीक लगती है आपको? बस योजना तो ठीक है भाई, नुआ अपना खर्चा चल जा रहा था, थोड़ा बहुत है भाई। नहीं, कई बार मार लिया अपने पल्ले हो। अच्छा, और कुछ काम हुए गांवों में? भाई गांव में भाई यही है भाई, किसी सड़क बन टूट रही है, सड़कें बन गई हैं, और तो कोई ऐसे काम नहीं। अभी तक कोई सरपंच ने कोई काम नहीं करवाया, सिर्फ वो पाइपलाइन दबाई है परली साइड वाली, अभी तक कोई ब्लॉक नहीं लग रहा, कोई दूरदाल हो रही है पूरी, ना ही वाटर कूलर है, वाटर कूलर लग रहा है बैंक के सामने, ना वहाँ पानी मिलता है ना कुछ मिलता है जी। अब आने जाने को परेशानी होती है, कोई भी आ जाए पड़ोस में से लिकटते रहते हैं, कोई लड़की को प्यास लग जाती है तो पानी तो पीने के लिए होता है, ना वाटर कूलर लग रहा है, एक वाटर कूलर लग रहा है उसके अंदर भी फिर भी पानी नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सैटरिंग काम करता हूँ सर जी। मतलब कितनी आमदनी हो जाती होगी? आमदनी 15,000 रुपये महीने की। हाँ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर कौन सा आपको ठीक लगता है? कुछ लगता है कि भाई ये राष्ट्रीय स्तर पे ये नेता काम कर सकता है? फिलहाल तो सर यहाँ पे बीजेपी का जोर है पूरा, कांग्रेस नवीन जिंदल का जी। क्यों? वो जी जैसे भी है, जो हमारे समाज के लिए खड़ा है, हमारे काम होने चाहिए। हाँ जी, बच्चों के लिए खाना भिजवाया उन्होंने, मेरा नाम गिरधारी है जी, मैं दबखेड़ी से बोल रहा हूँ। एक बार मेरे अचानक पेट में दर्द हुआ, मैं जिंदल ऑफिस में एक बंदा लेके गया मुझको, जब ही कंप्लेंट लिखी और मेरे दवा दारू करी अस्पताल में, तो हम तो उन्हीं के लिए मरेंगे जो काम करेंगे, हमारे लिए काम आ रहा, ये तो हमारा कहना है। आप यही है जो हमारे यहाँ के वो है ना जमील जिंदल, चल अब तो भाजपा से खड़े हैं, पहले कांग्रेस से थे, उन्होंने अच्छे थे, जैसे हम गए चाय पानी मिलता था, अच्छा पूछताछ लाइन में बिठा के सबसे एक एक बात पूछे थे, आपको क्या समस्या है, जो भी है समस्या सबकी सुलझाते थे। ऐसे नहीं है भाई आप अंदर बैठ के दूसरों की तरह नेता जैसे हैं, मान लो किसी की बात नहीं सुनते, भी हम बड़े हैं, इनके अंदर कोई बड़ापन मतलब हमको नजर नहीं आया भाई, जैसे भाई इतने मालिक हैं वो है ना, गरीब की पूरी आराम पूर्वक उनको लेनो लेन कुर्सियां बिछा के बीच में चलने की जगह थी, कल्ले कल्ले से पूछे थे भाई आपकी क्या समस्या है, और जो बंदा सुबह जाता गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको चाय पानी खाना पीना सब कुछ मिलता था उसके दफ्तर में। मैं तो एक ही बार गया था बस, अगर फोन पे है फोन पे भी काम हो जाते थे। तो आप बाकी पार्टी के नेताओं के पास जाते हैं समस्या लेकर, वो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? गए थे, गए इसके पास गए। हाँ बस ना हमारी हम ना ये अशोक रोड़ा है मान, चल हम नहीं कहने चाहते बस, जो दूसरी पार्टी है हम गए कई बार, तो मतलब काम हमारे हुए नहीं, तो इनके पास तो ना जो जो हमारे ये नवील जिंदल जी खड़े हैं
तो इनके पास तो हम फोन से कह देना, फोन से ही काम हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेता जो मतलब प्रधानमंत्री या इस लेवल का नेता आपको लगता है, या क्षेत्रीय नेता आपको पसंद है इस वजह से आप वोट कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो हमारे काम आएगा, काम आएगा। पहले बीजेपी है ना, जो पहले भी सरकार है, कांग्रेस के राज में गुलाबी और पीले राशन कार्ड को अनाज मिलता था सिर्फ कनक कनक 2 रुपए किलो। इनके मोदी के राज में जो सभी हैं, चाहे चिट्टा हो, पीला हो, वाइट हो, कैसा भी हो, उनको सबको इन्होंने बराबर कर दिया। और सबको पहले तो कनक कनक मिलती थी, अब तेल भी मिलता है, चल चीनी भी मिलती है। जैसा कोई हम किसी से मांगे हमको 10 किलो दे दो, कोई हमको 5 किलो भी नहीं देगा, 10 तो क्या देगा। चलते ही रहे गरीब के लिए, तो कहते हैं डूबते को एक तिनका का सहारा चाहिए, है कि नहीं? तो इनकी बहुत वो है, चलो फिर भी विकास है जनता का। फौजियों के लिए भी इन्होंने बड़ी अच्छी कर दी है। वो बॉर्डर पे पहले कांग्रेस के राज में देखते थे बाट, भाई हमको ऑर्डर देगा, वो दूसरा मार के चला जाता था। अब इन्होंने छूट दे दी है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई एक गोली चलाए तुम 4 चलाओ, 5 चलाओ, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने बचाव के लिए तो चलाई गई। और जो उसने बिना कांग्रेस के राज में बिना पूछे गोली चला दी, उसी के ऊपर एक्शन। कहाँ क्या मिलिट्री, क्या विकास देश की रक्षा करेगी? तो क्या लग रहा है इस बार, क्या चुनावी मूड है? जनाब तो भाई हम तो जनाब मोदी पे जाएंगे सीधा। क्यों मोदी? मोदी पे जाएंगे, मोदी ने अच्छा काम किया है। हमारे को डबल डबल राशन मिला है फ्री में, वो भी लॉकडाउन में भी मिला। और जिसमें पेंशन आ रही है 3,000 रुपया पेंशन आ रही है, हम इस पे खुश हैं। 2 किलो फैंड आ जा, 15-20 मिनट। रोजगार वगैरह? रोजगार बस यही है, दिहाड़ी मजदूरी, कोई जमीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं, खा लेते हैं। आपका पक्का मकान है? कच्चा? कच्चा मकान है। तो आवा वो मिला नहीं आपको? ये भर रखे थे फार्म, अभी तक कुछ नहीं मिला। रमनदीप जी, तो इस बार क्या है मुद्दे? मुद्दे यही है भी, जिस तरह के किसानी आंदोलन होया, जहाँ मान लो भी यूरिया की दिक्कत आ, DAP की दिक्कत आ, मतलब जिमीदार इन्हों ज्यादा लैके मतलब भी फॉलो कर रहे हैं भी इन, जिदा हम जिमीदार मतलब खेत जुताई कर टाइम तो यूरिया मिले, दवाइया सर जी दवाई नकली बूटी चल रही है, मान लो नकली दवाइया उन्होंने तो जिमीदारा छुटकारा मिले। किसान हूँ जिदा किसान 700 किसान अंदोलन शहीद होया है, उन्होंने भी दिक्कत आ, उन्होंने मान लो भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए है। तो मुद्दा मतलब भी मेन यही है भी किसानों मान लो भी जिस तरह हम किसान भी दिल्ली हक लैन वास्ते गए हैं, उन्होंने जाना भी जान देना चाहिए है। ये जिहड़ा सरकार ने मान लो भी शंभू बार्डर ते जा किते भी रोकिया होया है, ये मतलब भी गलत किया, कोई हक लैन जा रहे कोई वैसे नहीं जा रहे। और मुद्दा भी मतलब भी ये भी देश के किसान ही कोई हक लैन का हर एक नूं हकदार है। जिदा DAP दी यूरिया दी दिक्कत आई, वो नहीं होनी। क्या क्या दिक्कत है? DAP और यूरिया नहीं मिल रहा है? नहीं अब तो मिल रहा है, पर पहले बहुत दिक्कत आई, होने वाले लोग पहला भी लाइना च लग के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छा, गांव में काम हुए हैं? गांव में काम हुए विकास का? काम तो हुए आ, पर जेड़े मुद्दा मेन आ किसानी मुद्दा है मेन जिमीदार, जो क्योंकि किसान के उत्तों ही 80% हिसाब न दुनिया चलती है, किसान खुशहाल है तो सारा कुछ ठीक है। तो मुद्दा मेन यो ही रहेगा भी जो किसान आ वो मान लो भी अपना टाइम नहीं भूलता, पिछे वाला जो निकल गया है। ये हम गड्डी का एक्सल पाया जी। अच्छा, टूट गया है क्या? हाँ टूट गया था जी। अच्छा, तो ये बताइए, ये तो गाड़ी तो बन जाएगी? गाड़ी तो बन जाएगी। सरकार क्या क्या है हुआ? सरकार का मोदी है। मोदी क्यों? क्यों मोदी? मोदी देश आवांगे भाई। मोदी के मैं तो 15 ही वोट भाई। मोदी 15 साल हो गए मनते, कड़ी वाले कमरे हैं मेरे, एक भी लोन नहीं पास होया, एक भी लोन, और एक लैटरिन बाथरूम का पास आया वो सरपंच खा गया। मोदी सरकार बिल्कुल ठीक ठाक है, गरीबा दी पेंशन भी लाई कि नहीं। तो ये थे दबखेड़ी गांव के ग्रामीण, और यूं कहें कि ये सबसे निचले तबके के ग्रामीण हैं, गरीब वर्ग से आते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी कि इस बार उनके लिए क्या चुनावी मुद्दे होंगे,
क्या सोच कर वो वोट डालेंगे और ये क्या समस्या है वो भी बताइए कि स्थानीय स्तर पे उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली लोकसभा चुनाव में वो क्या सोचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ये भी इन्होंने बता दिया। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्रा।